गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि बेंटन के शो में कई ऐसे एलियंस हैं जिनका टाइप घोस्ट है, बट बेंटन 1000 जो कि फ्यूजन क्रिएट कर सकता है, तो क्या अगर उसने कई घोस्ट टाइप एलियंस की फ्यूजन क्रिएट करे तो आपने सोचा कि उनके पावरफुल फ्यूजन कौन कौन से होंगे? आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे टॉप 5 पावरफुल घोस्ट टाइप फ्यूजन एलियंस ऑफ बेंटन 1000 के बारे में बात करने वाले हैं। सो यार, फिर देरी किस बात की है, विदाउट वेस्ट एनी मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 5 से वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर देते हैं। नंबर 5 पर जो घोस्ट टाइप फ्यूजन एलियन अपनी जगह बनाता है उसका नेम है स्नेरो एंड डायमंड हेड का फ्यूजन। यहाँ पर डायमंड हेड घोस्ट नहीं है, यहाँ पर स्नेरो एक घोस्ट है जो कि इजिप्ट में रहने वाले मम्मी जो कि ताबूत में बंद रहती है उसके जैसा दिखता है। यार, इन दोनों की पावर्स अगर साथ मिल जाए तो बहुत ज्यादा कमाल कर देंगे, क्योंकि डायमंड हेड इतना पावरफुल है कि उसने विलगेक्स तक को डिफीट किया है। वहीं अगर बात की स्नेरो की तो उसकी शेप शिफ्टिंग की पावर डायमंड हेड की पावर्स की बहुत ज्यादा काम आ सकती है। डायमंड हेड को स्नेरो की शेप शिफ्टिंग की पावर उसके अपॉइंट कई अटैक से आराम से बचा सकती है। और वहीं बात की इसकी अदर पावर्स की तो उसके पास इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एटी जैसी एबिलिटीज एंड स्पीड में सर्वाइव करने की एबिलिटी, इनहेंस जंपिंग एंड इनहेंस स्पीड जैसी पावर और शेप शिफ्टिंग की पावर एंड क्रिस्टल प्रोजेक्टाइल्स की पावर। तो सोच सकते हो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो कितने ज्यादा पावरफुल होगा। और रही बात नेम की, तो यार नेम इसका हो जाएगा ज्यादा से ज्यादा स्नेर हेड या फिर डायमंड ओ, ऐसे ही कुछ नाम होगा। बट नाम से क्या करना है, इनकी पावर्स तो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे अगर इनका फ्यूजन क्रिएट हुआ तो। और इसीलिए हमारी लिस्ट में नंबर 5 पर आते हैं स्नेरो एंड डायमंड हेड का फ्यूजन स्नेर हेड। अब बात कर लेते हैं नंबर 4 का। नंबर 4 पर जो फ्यूजन एलियन डिजर्व करता है उसका नेम है एको एको एंड बिग चिल का फ्यूजन। यहाँ पर एको एको कोई घोस्ट नहीं है, यहाँ पर बिग चिल एक घोस्ट है। तो यार सोचो, अगर ये दोनों पावरफुल एलियन एक दूसरे मिल जाते हैं तो कितनी ज्यादा पावर इनकी इंक्रीज हो जाएंगी। ये अपने से कई क्लोन्स बना सकता है और उनसे अपने अपोनेंट को आराम से डिफीट कर सकते हैं। पावरफुल सोनिक वेव को क्रिएट कर सकता है जिससे कि अपने अपोनेंट को डिफीट कर सकता है। इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी काफी ज्यादा हाई हो जाएंगी। और रही बात एडवांटेज की, तो एको एको को ये एडवांटेज मिलेगा कि वो फ्लाई कर सकता है, इनविजिबल हो सकता है, इंटेजिबल हो सकता है और किसी को भी फ्रीज कर सकता है। और जो एडवांटेज बिग चिल को मिलेंगे वो होंगे कि अपने से कई क्लोन्स बना सकता है और साथ ही साथ एक पावरफुल सोनिक वेव को क्रिएट कर सकता है जो कि इसके अपोनेंट के लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल होगी। और भी कई तरह की पावर इसके पास आ जाएंगी, जैसे कि स्पीड में सर्वाइव करने की एबिलिटी, अंडर वाटर ब्रेथ करने की एबिलिटी और स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी का तो कोई मुकाबला ही नहीं होगा। इसका फ्यूजिंग ब्लास्ट, सोनिक बूम, सोनिक डूम, ऑडियो कनेसिस, रेडियो कनेसिस जैसे अटैक्स आ जाएंगे और भी कई तरह की पावर्स आएंगी। तो अगर इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो जाए तो यार कुछ भी नहीं कहना, बहुत ज्यादा पावरफुल फ्यूजन बनेगा एको एको एंड बिग चिल का। तो सबसे बड़ी जो पावर होंगी वो तो फ्लाई करने की, इनविजिबल होने की, सोनिक वेव अटैक की एंड किसी को फ्रीज करने की जिससे अपने अपोनेंट को आराम से डिफीट कर सकता है। और इसीलिए हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर ये एलियन डिजर्व करता है। सो बात कर लेते हैं नंबर 3 का। नंबर 3 पर जो फ्यूजन एलियन डिजर्व करता है उसका नेम है M3 या फिर घोस्ट फीबियन, यानी कि घोस्ट फीक एंड एम्फीबियन का फ्यूजन। तो यार ये भी बहुत ज्यादा पावरफुल फ्यूजन एलियन बनेगा, यानी कि कहूँ घोस्ट है फ्यूजन एलियन बनेगा, क्योंकि इसके पास घोस्ट फ्रीक की पावर है। घोस्ट फ्रीक एक घोस्ट ही है लेकिन एम्फीबियन एक घोस्ट नहीं है। यार दोनों की पावर बहुत ही सिमिलर है, जैसे कि इनविजिबल होने की, इंटेजिबल होने की। और अगर जो एडवांटेजेस की बात की जाए, एडवांटेजेस मिलेंगे घोस्ट फ्रीक को तो वो होंगे इसके पास इलेक्ट्रिकल अटैक आएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक बीम शूट करने की पावर, इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट एंड हमें थॉट से इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिक चलने वाली चीज़ों को कंट्रोल करने की, अपने अंदर एनर्जी अब्जॉर्ब करने की और एनर्जी को रिडायरेक्ट करने की भी, एनर्जी रिफ्लेक्शन की भी। अब बात करें अगर एम्फीबियन को जो स्क्रीजन से एडवांटेजेस मिलेंगे तो वो है टेलीकिनेसिस एंड टेलीपैथी जैसे पावरफुल अटैक्स के। तो अगर दोनों का फ्यूजन हो जाए तो उसकी भी कुछ नहीं कहना, ये भी बहुत ज़्यादा पावरफुल फ्यूजन बनेगा या फिर कहूँ पावरफुल घोस्ट टाइप फ्यूजन बनेगा। इसकी पावर्स कहते हैं, तो इसके पास है इनहेंस्ड स्ट्रेंथ, इनहेंस्ड ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस्ड एजिलिटी, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी एंड इलेक्ट्रोकिनेसिस, इलेक्ट्रोकिनेटिक इनहेंस्ड कॉम्बैट, इलेक्ट्रिक बीम शूट करने की, एनर्जी अब्जॉर्प्शन एंड एनर्जी रिफ्लेक्शन या फिर रीडायरेक्शन की पावर। और सबसे बड़ी पावर्स जो होंगी वो होंगी फ्लाई करने की, इनविजिबल होने की, इंटेलिजेंट होने की और किसी को भी आराम से डराने की। तो सबसे ज्यादा पावरफुल घोस्ट टाइप फ्यूजन यही एलियन बनेगा। वैसे और भी दो हैं जो कि आगे आएंगे, सो इसीलिए हमारी लिस्ट में नंबर 3 पर ही फ्यूजन आता है। अब बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 पर जो फ्यूजन एलियन आता है उसका नेम है बिग चिल एंड हीट ब्लास्ट का फ्यूजन। इसको हम बिग ब्लास्ट या फिर कुछ भी बोल सकते हैं, आपको जो भी समझना समझो, बट इसकी पावर बहुत ही पावरफुल होंगी क्योंकि इसके पास दो एलियन की पावर है, यानी कि दो पावरफुल एलियन की पावर है, हीट ब्लास्ट एंड बिग चिल। हीट ब्लास्ट को जो पावर्स मिलेंगी यानी एडवांटेजेस मिलेंगे वो होंगे किसी को फ्रीज करने का, ज़्यादा तेजी से फ्लाई करने का, इनविजिबल होने का एंड इंटेजिबल होने का। वहीं अगर बिग चिल क्या किया तो इसको जो एडवांटेजेस मिलेंगे वो है फायर पावर का,
को बहुत तेज़ से फ्लाई करने का अंडर वाटर बैथ तो ये कर ही सकता है। इसकी स्टैंड ड्यूरेबिलिटी एजिलिटी रिफ्लेक्सेस जंपिंग जैसी पावर्स कई गुना बढ़ जाएंगी। स्पेसिंग सर्व कर सकता है और अंडर वाटर बैथ भी कर सकता है। ये किसी को फ्रीज कर सकता है या फिर कहूँ अल्टीमेट बिक्चल की तरह ये भी फायर अटैक भी कर सकता है, फ्रीजिंग अटैक भी कर सकता है जैसे कि पायोक्रायोकिनेसिस एंड किसी को भी फ्रीजिंग ब्लास्ट फायर फ्लेम शूट करना जैसी पावर। इसीलिए मैं लिस्ट में नंबर 2 पर ये फ्यूजन एलियन डिजर्व करता है। सो बात आती है लास्ट नंबर 1 की। नंबर 1 पर जो फ्यूजन एलियन आता है वो दो बहुत ही ज्यादा पावरफुल घोस्ट का फ्यूजन है, यानी कि वो दोनों ही घोस्ट हैं और वो है बिग चिल एंड घोस्ट फ्रीक। यह एक बहुत ज़्यादा पावरफुल घोस्ट फ्राइव फ्यूजन बनेगा क्योंकि दोनों ही घोस्ट हैं, बिग चिल भी एंड घोस्ट फ्रीक भी। यहाँ पर जो एडवांटेजेस मिलेंगे घोस्ट फ्रीक को वो होंगे कि उसका फ्रीजिंग पावर आ जाएगी, आराम से किसी को फ्रीज कर सकता है, फ्लाई करने की एबिलिटी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज होगी इसकी, इसकी स्टैंड ड्यूरेबिलिटी एजिलिटी काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगी और भी कई टाइप के अटैक्स मिल जाएंगे इसको बिग चिल के साथ जुड़ जाने से। वहीं अगर बात करें बिग चिल को क्या एडवांटेजेस मिलेंगे इसके साथ, तो वो होंगे कि इसके पास टेलीकिनेसिस टेलीपैथी से पावरफुल अटैक आएंगे जिससे अपने आप को कहीं पर भी टेलीपोर्ट कर सकता है बड़े आराम से। इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करते, बस यही इनके पास कई तरह की पावर्स हैं जैसे कि इनहेंस स्ट्रेंथ, इनहेंस ड्यूरेबिलिटी, इनहेंस एजिलिटी, फ्रीजिंग टच, फ्रीजिंग ब्लास्ट, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथी, फ्लाई करने की, इनविजिबल होने की, इंटेलिजेंट होने की पावर्स। तो यार आपको लिस्ट कैसी लगी, आपको पावरफुल घोस्ट ऑफ फ्यूजन की लिस्ट अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें और कमेंट कर सकते हैं कि आपका फेवरेट फ्यूजन कौन सा था, कौन सा लिस्ट में आना चाहिए था। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।